ये कहानी गरीबी और अन्याय के आग से दहकते आज के एक नौजवान की कहानी है। ये समाज के भ्रष्टाचार से जकड़े हुए आज के जमीर की कहानी है। स्वर्गवासी पिता धनराज जी को 5,000 रुपए कर्ज दिया था। जब तक बेचारे वो जीवित रहे तो सूद बराबर देते रहे। आज उनको मरे हुए 6 मास हो गए। विजय ने एक बूटी कोड़ी भी सूद नहीं दिया और अपने पिताजी के कर्जे को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने कब कहा है कि मैं नहीं मानता? मैं मानता हूँ, मगर देखा पंचो मानने का तरीका। अरे बेटा कुछ निम्रता से तो बोल, आँख दिखाकर मानना भी कोई मानना है? अरे पत्थर दिल, तू अपने पिता की मृत्यु पर इतना नहीं रोया होगा जितना मैं रोया हूँ। अरे लाला तू तो अपने रुपयों के लिए रोया होगा। आप चुप रहो जी। तो न्यायकारी पंचो, मेरा न्याय कर दो। विजय बाबू आपको कुछ कहना है? मैं मानता हूँ कि मुझे कर्ज चुकाना है, लेकिन आप ये भी जानते हैं आपकी फसल ठीक नहीं होगी और गांव में काम भी नहीं मिलता, मुझे वक्त चाहिए। लाला जी विजय अपना कर्जा मानता तो है, लेकिन आपको भी मालूम है कि ये इस वक्त तकलीफ में है, इसलिए पंचायत इसे 6 महीने की मुद्दत देती है। अगर फिर भी ये अपना कर्जा न चुका पाया तो आप इसकी जमीन और मकान नीलाम करवा सकते हैं। पंच परमेश्वर की जय हो। विजय अगर तुम्हारा इरादा कभी जमीन और मकान बेचने का हो तो मुझे बोलना, अच्छी कीमत दिलवा दूंगा। रामलाल जी इस घर और जमीन को हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। माँ भैया आ गए। क्या हुआ बेटे? होने ही क्या था मां, सभी पंचायत वाले लाला से मिले हुए हैं, उन्होंने मुझे 6 महीने की मोहलत दी है। वो जानते हैं तब तक मैं कर्जा नहीं चुका सकता, वो मेरा घर मेरी जमीन को नीलाम करवा देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया मैं एक एक की जान ले लूंगा। क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? तुम किसान बाप के बेटे हो, किसान के हाथ सोने के हाथ होते हैं। ये सब कहने की बातें हैं मां, पिताजी भी यही कहा करते थे, मगर कर्जे के सिवा कुछ भी तो नहीं छोड़ गए। विजय वो तुम जैसा जवान बेटा छोड़ गए। मगर मैं गांव में रहकर इतना रुपया नहीं चुका सकता मां, मुझे शहर जाने। नहीं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन तू शहर से इतना घबराती क्यों है? शहर से नहीं तुम्हारे गुस्से से डरती हूँ, अकेले में नहीं जाने क्या कर बैठे। मुझे भरी पंचायत में जलील किया गया, हालात ने मुझे बुरी तरह से जकड़ लिया है। अगर मैं यहां रह गया तो डाकू लुटेरा बनकर लूट मार करना शुरू कर दूंगा मां, इसलिए मुझे शहर जाने से रोक नहीं। मुझे आशीर्वाद दें। ए मोटू उठो ना, सारी सीट घेरे लेते हो। अरे तुम सब डाकते क्या हो, कोई कुछ तो बोलो। मेरी माँ बीमार है, थोड़ी सी जगह दे दो। Listen girl, I don't understand your language. क्या कहा? You don't understand my language? Then you will understand my language. Yes, yes, yes. तुम्हारा जवान तो हम समझ सके। मालिक वाह
बात है, सारे डब्बे में एक तो मर्द निकला, अब मैं अपने लिए जगह बना लेती हूँ। आई मिस, दैट इज माई ट्रंक। थैंक यू। बॉस, हम बोला वो मेरा ट्रंक है, तुम उस पर नहीं बैठने को सकता। सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड योर लाइन। प्रेमा, चुप हो जाना। मैं इसका ट्रंक खा थोड़ी जाऊंगी ना। खाना, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। देख क्या रहे हो, खाओगे? नहीं। पछताओगे? आलू के पराठे हैं, नींबू का अचार। मुझे भूख नहीं। थोड़ा खा लो बेटी। अरे नहीं क्या, बैठो। कहाँ जा रहे हो बेटा? जी बंबई। चलो वहाँ तक तो साथ अच्छा रहेगा, हम भी बंबई जा रहे हैं। वहाँ नौकरी करते हो? जी नहीं, नौकरी की तलाश में। नाम क्या है तुम्हारा? विजय। आप लोग मुंबई में रहते हैं? नहीं, कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। मेरी बीमारी गांव के डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही, इसलिए बंबई के डॉक्टर से मशवरा कर हम वापस गांव चले जाएंगे। ये लो। Natives. क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। ऐसी कोई बात नहीं। तकलीफों से परेशान नहीं हुआ करते, हंसो खेलो, कोई बात करो। क्या हुआ? आंख में कुछ पड़ गया। लाओ मैं जरा देखूं। तुम क्या कह रही थी तकलीफों से? परेशान नहीं हुआ करते। और आंख में थोड़ा सा कोयला पड़ गया तो रो पड़ी। चलो तुम तो हंसे मिस्टर पराठे वाला। थोड़ी देर का तो साथ है, हंसते खेलते गुजर जाए तो अच्छा। फिर बंबई पहुंच गए, न जाने तुम कहां और हम कहां। रामा, तीन दुआ लिख दे। अबे कालू, दिखता नहीं आज छक्का फाइनल है। अबे चुप, आज तेरा गला लूट लूंगा। अच्छा ठीक है, फट 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 चोरी करके मटका खेलता है। घर तो आ, तेरे भाई से पिटाई करूंगी। ए चाची, अरे क्यों मारती है उसे? अरे सुन, उसका पाना लगने दे, तेरा घर पैसों से भर देगा और कालू गोरा हो जाएगा। ये मटके वाले लोग ने तुम जैसे ने सत्यानाश करके रखा है। घर भी तो मटके वालों पे चलता है। रामू, रामू ये क्या कर रहा है? अरे पैसे गिन रहा हूँ, बोलना क्या लिखूं। रामू मैं विजय हूँ। विजय, ओ विजय मेरे यार, तू कब आया? मैं अभी आया। ये पत्थर कौन ने मारा? तुमने मारा? मैंने मारा। क्यों मारा? तुम्हारी ये हिम्मत? कुत्ते, अमीरों की रोटियां खाकर अमीरों की कुत्तों की तरह भौंकने लगा। क्या नाम बताया तुमने? विजय। कोई काम जानते हो? नहीं। ओ, तो फिर गांव छोड़कर शहर क्यों चले आए? कोई भी किसान किसी मजबूरी से ही अपना गांव छोड़कर चला आता है, वरना ये हाथ जो मिट्टी से सोना पैदा कर सकते हैं, दूसरों के आगे क्यों फैलाएगा? मेरी जमीन और मकान पर कर्जा है। कितना कर्जा है? 5,000।
तुम क्या समझकर शहर चले आए? यहाँ नोट ऊपर से नहीं बरसते। बरसों मेहनत करके भी आजकल की महंगाई में 5,000 रुपया बचाना बहुत मुश्किल है, और फिर तुम्हारा ध्यान तो कर्जा चुकाने में लगा रहेगा। काम क्या करोगे? मैं अपना खेत और मकान बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। बरखुरदार, तुम्हारी उम्र में अक्सर जल्दबाजी में आदमी गलत रास्ते पर चल देता है, और फिर मैंने देखा है कि तुम आदमी जरा गर्म मिजाज के हो। मेरी वर्कशॉप में मेहनत से काम करो, ईमानदारी का सबूत दो, 5,000 कोई बड़ी बात नहीं। मुलाकात में तुमने पराठे खिला दिए, दूसरी मुलाकात में तमाचा खिला दिया। तुम अभी तक गांव नहीं गई क्या? कैसे जाती? डॉक्टरों ने कहा है माँ का इलाज यही करवाना पड़ेगा, न जाने कितना वक्त लग जाए। ये सब क्या है, ये कपड़े, फूल? बस माँ का इलाज करवाने के लिए मैं फूल बेचती हूँ, गुजारा हो जाता है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा हूँ, माँ से मिल लूंगा। इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। नहीं माँ जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। आखिर ऐसे भी क्या जल्दी? माँ जी, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं तो आपको देखने चला आया, फिर कभी आऊंगा। जरूर आना बेटा। ये लड़का आपका कोई रिश्तेदार लगता है? नहीं डॉक्टर साहब, ट्रेन में मुलाकात हुई थी, 2 ही दिन के सफर में अपना सा हो गया, बड़ा अच्छा लगा। एक बात को हम बुरा तो नहीं मानोगे? क्या? मेरे पास कुछ पैसे हैं, माँ के इलाज के लिए रख लो। मैं खुश हूँ कि तुम्हें हम लोगों की फिक्र है, लेकिन मैं माँ का इलाज अच्छी तरह से करवा रही हूँ। और हाँ, अब कि तुमने घर देख लिया है, आती रहोगे ना? जरूर। कब? जब कभी वक्त मिले। जल्दी आओगे ना? जल्दी आऊंगा। जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। मैं इंतजार करूंगी, अगर नहीं आए तो। समझ गया समझ गया, जरूर आऊंगा। गुलाब ले लो।
अपने बहारों के सपने, हरे भरे बागों से नजारों के सपने, नजारों के सपने। चुन चुन लाई मैं बहारों के सपने, बहारों के सपने, हरे भरे बागों से नजारों के सपने, नजारों के सपने। देखो ना गरीब की भोली जवानी, देखो ना गरीब की भोली जवानी, ये कुदरत के तोहफे जनाब, ले लो ले लो चंपा चमेली गुलाब, ले लो ले लो चंपा चमेली गुलाब, ले लो। गजरे से रूठे हुए यार को मनाना, अपने यार को मनाना, जुल्फों में मोगरे का फूल ये लगाना, बाबू फूल ये लगाना। गजरे से रूठे हुए यार को मनाना, अपने यार को मनाना, जुल्फों में मोगरे का फूल ये लगाना, बाबू फूल ये लगाना। चंपा चमेली गुलाब, ले लो ले लो चंपा चमेली गुलाब, ले लो। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आप वही है ना जो होटलों और सड़कों पे फूल बेचा करती हैं? जी हाँ। तो आप कमाल की कलाकार हैं और नित नए रूप बदलती हैं। क्या करूं, करना पड़ता है। क्या बात है बेटी? बेटी ये आपकी माता जी हैं? हाँ। तो कहाँ हैं चरण आपके? अरे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? कौन है? कौन है? अजी हम तो कला के पुजारी हैं और आपसे कोई मतलब की बात करने आए हैं। हम कंकर पत्थरों से हीरा ढूंढ कर लाए हैं। ऐसी आर्टिस्ट लड़की लाखों में एक मिलती है सर। शायद मैं समझा था तुम किसी आर्टिस्ट की बात कर रहे थे, मगर ये तो देहातन मालूम होती है जिसे ना उड़ने पहनने का सलीका है ना गुफ्तगु करने का अंदाज। ये आर्टिस्ट क्या बनेगी, फॉरेन कंट्री क्या जाएगी? जी मैं समझी थी, इन्होंने मुझे इस लिबास में नाचते हुए पसंद किया, इसलिए ऐसे ही चली आए, वरना वरना कुछ और नमूना बनकर आती। अरे ओ, ये कैसे कैसे झंझट तुम यहाँ घसीट लाते हो। ए लड़के, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। Don't waste my time. Please sir, I'm not wasting your time. मैं आपके पास बड़ी आशाएं लेकर आई हूँ। मेरा इस दुनिया में माँ के सिवा दूसरा कोई नहीं, और वो पहले से ही दिल की मरीज है। अगर आपने मुझे ये नौकरी नहीं दी तो मैं उसका इलाज न करवा सकूंगी और वो जी न सकेगी। मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं जल्दी से सब कुछ सीख जाऊंगी। अगर आपने मुझ में कोई कमी पाए तो फिर मुझे निकाल दीजिएगा। मुझ पर रहम करिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मगर याद रखो ये तुम्हारा इम्तिहान है और साथ में तुम लोगों का भी। कल से इसकी ट्रेनिंग शुरू करवा दो हैं। और हाँ सुनो,
वार्डरोब से कोई अच्छे अच्छे कपड़े निकाल कर इसे दे दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माँ, विजय तो हमें भूल ही गया क्या? वो शायद किसी काम में उलझा होगा बेटी, या बोल सकता है अपने गांव चला गया हो। गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई, मैं जरा प्लग चेक कर लूं, फिर आप ट्रायल ले सकती हैं। ओके। यू आर अ टेरिफिक ड्राइवर, तुम क्यों अपनी जिंदगी उस रात में बर्बाद कर रहे हो? हमारे साथ काम करो, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, कुछ ही दिनों में लखपति बन जाओगे। ऐसा कौन सा काम है मैम सर? इंटरनेशनल बिजनेस, इजी मनी। यानी कि काला धंधा? नहीं मैम साहब, मुझे ईमानदारी की कमाई चाहिए। तुम किन ख्यालों में घूम रहे हो मिस्टर? ईमानदारी की कमाई से तो तुम्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। दौलत को हासिल करने का यही एक तरीका है। साहब, दौलत के लिए मैंने अब तक अपना जमीर नहीं बेचा। जमीर को खुश रखने के लिए तुम कोई मंदिर, धर्मशाला, अस्पताल या स्कूल बनवा देना। सब अमीर लोग यही करते हैं। Think about it. Let's go. अरे यार रामू, आज यार उस कमाल की मेम साहब के साथ फिर मुलाकात हुई, लगता है वो मुझ पर फिदा हो गई है। अरे मेरे हीरो, ये बंबई शहर है, यहाँ तुझे बहुत सी लड़कियाँ मिलेंगी, तेरे पे फिदा होंगी और फंस भी जाएंगी। वो देख तेरी चिट्ठी आई है। किधर है? अरे वो बिस्तर के नीचे। माँ की चिट्ठी आई है क्या? नहीं, गांव के सरपंच का नोटिस है। लिखा है कि 7 दिन के अंदर ही अंदर 5,000 रुपए चुका दो, वरना हम तुम्हारी जमीन मकान नीलाम कर देंगे। अब क्या करेगा? मैं गुप्ता साहब के पास जाऊंगा, उन्होंने कहा था कि 5,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। पूरे 2 लाख का हिसाब नहीं, आखिर इस रकम का क्या हुआ? हुजूर, हिसाब में कहीं गलती है? गलती तो मेरी है जो तुम जैसे बेवकूफों को पाल रखा है। ए, तुमको किसने बुलाया है? सर। अरे सर पर कुछ नहीं, जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है। बात यह है सर, मेरे गांव से तार आया है। तार आया तो किसी और से पढ़वा ले। हाँ जी, देखिए अच्छी तरह लाइजर देखिए, इतनी बड़ी रकम गायब कैसे हो गई? अरे क्या तार आया भाई? अगर 5,000 रुपए नहीं भेजे तो मेरे पुरखों की जमीन और मकान को नीलाम कर देंगे। अरे वाह बरबुरदार, जवाब नहीं तुम्हारा। 125 रुपए महीने की नौकरी और 5,000 का कर्जा मांगने आ गया। सर लेकिन आप ही ने तो पहले दिन कहा था। ए, क्या कहा था? कि बाप का कर्जा ससुर से ले आओ, ये ऑफिस है, कोई यतीम खाना नहीं। हाँ जी, कुछ पता चला? ये रही एंट्री, 2 लाख रुपए आपने कला दर्पण को डोनेशन में दिया था, देख लीजिए। अरे जवाब नहीं आपका कमांडेंट जनरल साहब, लिखा है इधर और पढ़ रहे हैं उधर, आपके रिटायर होने का वक्त आ गया है। हाँ तो आपको 5। अरे कहाँ चला गया? अरे इधर इधर, ये कहाँ गया? वो गुस्से में चला गया। गुस्से में चला गया? बरखुरदार का भी जवाब नहीं, 5,000 कर्जा मांगने और रकड़ इतनी। बॉम्बे में जो भी मैन ड्रीम लेकर आता है, रोता रोता जस्ट लाइक खाली वैन जाता है। ये लो, इसमें सोना है। तुम्हें इस पते पर पहुंचाना है, और ये रही गाड़ी की चाबियां। अगर कामयाब हो गए तो 5,000 तुम्हारा। ठीक। सुनो, अगर पुलिस तुम्हें पकड़ ले तो तुम अपनी जबान नहीं खोलोगे,
नहीं। विजय, बी केयरफुल, गुड लक। क्या मजाक है? कुछ नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा टेस्ट था। लेकिन मेरे 5,000 रुपये क्या होगा? घबरा नहीं, मिल जाएंगे। Come on, our chief is waiting. आराम खोर, तुमने 2 साल में 10-11 लाख रुपए हमारी बदौलत कमा लिया, और अब यहाँ से भागने का इरादा कैसे कर लिया तुमने? पुलिस पूरी तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं पकड़ा गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? ये तुम्हें 2 साल पहले सोच लेना चाहिए था। तुम हमारे असूलों को अच्छी तरह से जानते हो, अगर हम सोने का निवाला खिलाते हैं तो शेर की आंख से देखते भी हैं। ले जाओ इसे और खात्मा करते इसका। विजय, मिस्टर रानू, आवर चीफ, ही हैज पास्ड द टेस्ट। कांग्रेचुलेशंस। ये हमारा हाथ मिलाने का तरीका है, हमारे काम में हिम्मत ही काफी नहीं, होशियारी की भी जरूरत है। बट यू विल लर्न। इसे कितना रुपया चाहिए? सिर्फ 5,000। ये तुम्हारे हैं, ले लो। लेकिन इसे देने से पहले एक बार फिर सोच लो, हम करोड़ों रुपयों का धंधा तुम्हारे हाथों में सौंपने वाले हैं, और क्योंकि तुम हमारे हर राज से वाकिफ हो गए, इसलिए तुम हमें नहीं छोड़ोगे जब तक कि हम ना चाहें। आपने तो सब कुछ देख लिया, मेरा फैसला मौत भी नहीं बदल सकती। गुड, ले लो। रात को शीला तुम्हें उन लोगों से मिला देगी जिनके साथ तुम्हें काम करना है। अब तुम जा सकते हो। ठीक है मिश्रा। यस सर। अपने नए साथी से मिलने की तैयारी करो, जाओ। शीला, लुक आफ्टर हिम वेल।
विजय ये क्या हुआ? जरा सी चोट लगी, कोई बात नहीं। 5000 रुपयों की जरूरत थी ना, 10000 रुपए मिले हैं। ले 1000 रुपए तुरंत। लेकिन ये आए कहाँ से? बताता हूँ। अरे रामू, विजय खन्ना कौन है? आप। ये है तुम्हारा तार, पहन करो। धन्यवाद। मेरी जमीन और मकान नीलाम हो गए हैं। पंचों ने घर खाली करने को कहा है। क्या? हाँ रामू, तू आज ही गांव चला जा, माँ जी को और इंदु को लिया। पगली ने, बदमाश, जरा सब इंतजार नहीं कर सके। तुम इस पेट्रोल पंप पर मालिक की हैसियत से काम करोगे। ये लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे। कुछ ही दिनों में तुमने हमारे धंधे के बारे में सब कुछ सीख लिया है। एंड नाउ यू आर ऑन योर ओन। चलो अंदर चले। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तो हमें एक साथ ही काम करना है, और एक साथ रहने के लिए थोड़ी बहुत फुर्सत भी निकाल लिया करो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं? गर्लफ्रेंड
क्या मांगता है? चालू के पियो। वो जो यहाँ पहले रहते थे कहाँ गए? अरे इस दुनिया में कितने आए कितने चले गए सेठ। वो जो बेचते थे दवाई दर्द दिल दुकान अपनी बढ़ा। माँ ये रहा तेरा नया घर। इसे ड्राइंग रूम कहते हैं, यानी बैठने उठने की जगह। वो है तेरे बैठने का कमरा और ये मेरा और रामू का कमरा है। माँ माँ ये देख, ये है रसोई घर, वो है इंदु का कमरा और इसे इसे डाइनिंग टेबल भी कहते हैं, यानी खाने पीने की जगह। वाह क्या बात है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है इतने थोड़े दिनों में इतना सुंदर घर कैसे बना लिया तूने? यहाँ मुझे एक अमीर आदमी मिल गया था माँ, जिसको बिजनेस के लिए मेरे जैसे आदमी की जरूरत थी और मुझे बिजनेस के लिए रुपयों की। काश कि इस आदमी से कुछ दिन पहले मुलाकात हो जाती तो गांव की जमीन घर को बचा लेता। लेकिन अब मैं इतना रुपया कमाऊंगा कि जिन लोगों ने मेरे घर को नीलाम करवाया है मैं उनके घरों को नीलाम करा दूंगा, सारा गांव खरीद लूंगा। बेटे तू दूसरों के घर खरीद कर जागीरदार बनना चाहता है? घर नीलाम हो गया तो कोई बात नहीं, पर अपने जमीन को नीलाम होने से बचा देना बेटे। कैसी बात कर रही हो? इंदु घर पसंद आया ना? कमाल है यार, कैसे पसंद नहीं आएगा मेरी बहन को, बोलो बोलो। रामू भैया तुम तो बिल्कुल गवा ही रहे, ये भी कोई घर है? क्यों इसमें तो एक बहुत बड़ी कमी है भैया, जिसके बगैर रौनक आ ही नहीं सकती। किस चीज की? ये भी कोई पूछने की बात है, जैसा मॉडर्न घर वैसी मॉडर्न भाभी। क्या परिवर्तन है चांदी महीनों में, आप क्या से क्या हो गई, आपके डांस प्रोग्राम की तारीख भी पक्की हो गई। ये रहे कम्प्लीमेंट्री पासेस। गुड लक प्रेमा, कांग्रेचुलेशन प्रेमा। थैंक यू, ये सब आप लोगों की मदद से हुआ है। अगर आप लोग मेरी मदद न करती तो मैं कब के यहाँ से भाग गई होती। अपनी माताजी को प्रोग्राम में जरूर लाइएगा ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि जो कुछ हमने कहा था सच कर दिखाया। जरूर लाऊंगी। और भी अगर आप अपने साथ किसी को लाना चाहें तो ले आइएगा। अरे सुनो ये साहब कौन थे? विजय खन्ना, इस पेट्रोल पंप के मालिक। ओह, तो वो पेट्रोल पंप के मालिक भी बन गए। प्लीज डू मी अ फेवर, ये इन्हें दे दीजिए। चलो ड्राइवर। वाह बेटा विजय, आज पता चला तू कितना छुपा रुस्तम है, मालदार होते ही माल भी पीछे लग गया। वाह माँ, माँ गजब हो गया। वो मिला था। कौन मिला था? वही पराठे वाला। अच्छा तू विजय की बात कर रही है? और किसकी बात करूंगी, वो तो पेट्रोल पंप का मालिक हो गया है। क्या शान है उसकी। वो तो मुझे पहचाना तक नहीं, बिना बात किए ही चलता बना, फिर भी मैं उसे दावत दे आई। लो माँ जी, आपको प्रेमा का घर बसाने की चिंता थी, आपका वो दुख भी दूर हो गया। डॉक्टर साहब आपको तो बस मजाक ही सूझता है, स्टेज पर मेरे डांस का प्रोग्राम फिक्स हो गया, मैं उसे प्रोग्राम देखने की दावत दे आई हूँ। माँ तुम भी चलोगे ना, बहुत मजा आएगा। नहीं प्रेमा, इन्हें ऐसे हंगामों से दूर रखना चाहिए, तुम्हारी कामयाबी की खुशी ये शायद बर्दाश्त न कर सके। ओ माँ मेरी हर खुशी अधूरी रह जाती है। सोना यहीं गड़ा है, यहां खोदो।
ये सोना कब आया? 15 दिन पहले। यहाँ से हजारों मील दूर दुबई की बंदरगाह से ये सोना यहाँ आया था। हमारे साथियों ने पुलिस के डर से इसे यहाँ गाड़ दिया। अब पुलिस की नजर हटी तो इसे लेने आए। पुलिस भागो यहां से, चलो। तुम दोनों यहां ठहरो, बाकी मेरे साथ चलो। चलो जल्दी चलो। ठहरो, गाड़ी रखो। तुमने यहां से कुछ लोगों को जाते हुए देखा है? नहीं साहब। बेटे रोना नहीं, चुप करो। क्या हुआ? साहब अभी अभी इनकी दादी गुजर गई है। ओह आई एम सॉरी, तुम लोग जा सकते हो। चलो जल्दी करो, आगे बढ़ो। माफ करना भाई, मैंने तुम्हें मौत की धमकी दी थी। ये लो रुपए, हमें उस नाके तक छोड़ दीजिए। लाओ लाओ, मैं अभी छोड़ देता हूं। बैठो बैठो। Thank you.
तेरी बन बन होगी, शायद वो कोई जोगन होगी, घूमती फिरती बन बन होगी, ठीक है ना? ना 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 ना, तो कुछ अता पता बदलाओ। फिर भी
तुमने अपना वादा पूरा कर दिखाया, मैं बहुत खुश हुआ। अरे आजा भाई, और फोटो लो, और फोटो लो। तुम्हारी माँ तुम्हारा नाच तो नहीं देख सकी, मगर फोटो का एल्बम तो देख लेगी। है ये मेरा बेटा सुरेश है, इसको भी डांस का बहुत शौक है, मगर ये नटराज का चेला नहीं, बजरंग बली का चेला है। सारा दिन घर में बंदर की तरह कूदता रहता है। दीदी मेरे गुरु तो यही है। अरे ओ गधे, बाहर नहीं कहना किसी से कि मेरे गुरु यही है, नहीं तो सर्कस वाले बन मानस समझ कर मुझे भी ले जाएंगे। अरे वर्मा शर्मा, शर्मा जी, शर्मा शरद शर्मा, देखो इनके डांस टूर का यूरोप में बंदोबस्त करो। हाँ मैं इनका टिकट बुक करवाता हूँ और साथ अपना भी। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ। अच्छा बेटे, भगवान तुम्हें बहुत शोहरत दे जी तेरा। जाना? हाँ प्रेमा। तुम तो वादा करके गए थे कि मैं जरूर आऊंगा, जल्दी आऊंगा, मगर हम तो इंतजार ही करते रह गए। प्रेमा, तुम मुझे गलत नहीं समझो, मैं आया था मगर तुम घर छोड़ गई थी। और तुम चले गए और अपने लिए एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली। गर्लफ्रेंड? तो वो कौन थी जो तुम्हारे साथ हाथ में हाथ डाले बैठी थी? तुमने अच्छी तरह देखा नहीं, वो एक नहीं दो थी। दो? हाँ दो। तुम ठहरो, मैं भी आ। मर्द कितने बेवफा होते हैं, कहता है एक नहीं दो। ये रही मेरी गर्लफ्रेंड, माताजी और मेरी छोटी बहन। माँ और बहन? माँ, ओ माँ, ये क्या कर रही है? बेटी रो क्यों रही? इसलिए कि तुम मेरा नाच नहीं देख सकी, काश कि तुम भी वहां होती ना। नाच तो अच्छा हुआ ना? बहुत ही अच्छा, सब लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की और गुप्ता साहब इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे यह हार पहन। और माँ विजय भी वहां आया था अपनी माँ और बहन के साथ, उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ की और इतना प्यार किया कि क्या बता। पगली कहीं की, इसमें रोने की क्या बात है? आज तेरे पिताजी होते तो तेरे इस रोने पे न जाने क्या कर देते। बेटी विजय को किसी दिन घर ले आना। भैया तुमने प्रेमा के बारे में जो कुछ बताया है उससे पता चलता है कि मुझे प्रेमा से अच्छी भाभी कोई मिल ही नहीं सकती। हाँ भैया, कब ला रहे हैं भाभी? कौन सी भाभी? मेरी भाभी प्रेमा। चुप रहती है नहीं? ठीक ही तो कह रही हूं, लड़की हमें पसंद है और तूने जो गुण उसकी माँ के बताए हैं पता चलता है अच्छी लड़की है। किसी दिन बहन जी को यहाँ ले आना, मैं खुद बात कर लूंगी। मैं मुझे नींद आ रही, मैं चलता हूँ। भैया स्वीट ड्रीम्स। चलो घर। नहीं चरफ, तुम यही लिबास पहनकर कॉलेज आया करना, मैं गीले कपड़े उतार कर आया। कुछ पहन कर गया ना? बड़ा ज्ञानी ध्यानी मालूम होता है, बड़ा पहुंचा हुआ है। मगर यहाँ कैसे पहुंचा महाराज? यहाँ कैसे पहुंचे?
ऊपर से आया सरकार। अरे ऊपर से कैसे आ सकता है, ऊपर का रास्ता तो परमानेंटली बंद है, रास्ता तो नीचे का खुला है। सुरेश किधर है? सुरेश, सुरेश। ओ ओ डैडी। अबे ओ डैडी के बच्चे, ये क्या है? ये हाँ? ये आपकी छड़ी? मैं छड़ी के बारे में नहीं पूछ रहा, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। ओ ये हाँ? ये सरस्वती चंद्र विद्यार्थी, मेरा क्लास फेलो। डैडी बहुत विद्वान है, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, टेक्नोलॉजी, सबकी सब लॉजी इसकी उंगलियों पे है। ओ, तभी ये उंगली ज्यादा दिखाता है। अरे मैंने इसे बोला कि घर आके मुझे भी साइकोलॉजी पढ़ा दिया करे। मगर ये पढ़ाएगा कैसे, ये तो बोलता ही नहीं। ओ डैडी, बात यह कि आज इसका मन रहता है। तो क्या ये तुम्हें इशारों से पढ़ाएगा? ओ डैडी, आपकी समझ का भी जवाब नहीं। इशारों से बातचीत करने को कहते हैं साइलेंट कम्युनिकेशन। मैं इसके सामने यूं बैठ जाऊंगा, यूं इसकी आंखों में आंखें डाले हुए, फिर जो ये दिल में सोचेगा मैं समझ जाऊंगा और मेरे दिल की ये समझ जाएगा। भाई वाह, अजीब चीजें सिखाते हैं कॉलेज में आजकल। अरे अब आपकी उम्र ये बातें समझने की नहीं है। अच्छा, ओ ये माइथोलॉजी अपनी समझ में नहीं आई भाई। डैडी यू आर डिस्टर्बिंग अस, आपकी मौजूदगी से हमारे विचारों का सिलसिला टूट जाता है, प्लीज। अच्छा जाता जाता हूँ, तुम सिलसिला जारी रखो। चलो ठीक है। मां बेटी, ये कौन है? यही तो है वो महेंद्रनाथ गुप्ता। और ये सुरेश, उनका बेटा। तो वह जिंदा है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। क्या बात है मां, बोलो ना। बेटी, ये तेरे पिता और ये तुम्हारा भाई। ये तुम क्या कह रही हो मां? हाँ बेटी, जब मेरा भाई 1.5 साल का था और तू मेरे पेट में थी, जब हम लोग गाड़ी से आ रहे थे तो गुंडों ने गाड़ी पर हमला कर दिया, मारकाट शुरू कर दी, मुझे और कई औरतों को उठा ले गए। भगवान के दया से मिलिट्री वालों ने हमें बचा लिया। तेरे पिताजी और सुरेश की मैंने बहुत तलाश की, मगर कहीं पता नहीं चला। आज संजोग से हम उन्हीं के आश्रय में आ गए। ओ मां, तुमने कैसे कैसे दुख उठाए, लेकिन अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं अभी जाकर पिताजी को सब कुछ बता देती हूँ। नहीं बेटी नहीं, समाज में उनकी बहुत इज्जत है और समाज मुझ जैसी बदनसीब औरतों को स्वीकार नहीं करता। लेकिन माँ, पिताजी तो देवता आदमी है। राम तो भगवान के अवतार थे ना, मगर वो भी सीता को स्वीकार न कर सके। मेरे लिए तो यही बहुत है, मेरा बेटा और मेरा सुहाग जिंदा है। बेटी, वो अलमारी से मेरी डिबिया तो निकाल ला। सुरेश कैसा है? उसे मिलने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। लक्ष्मी,
बहन जी, मुझे ये राज आपको नहीं बताना चाहिए था, लेकिन आपको देखकर मुझे ऐसा लगा आप मुझे गलत नहीं समझेंगे और मेरे इस राज को अपने तक ही रखेंगे। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। आपने मेरे दिल का बोझ तो हल्का कर दिया, अब सर का बोझ भी हल्का कर दीजिए। प्रेमा को अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। प्रेमा मेरी बहू बने, इससे ज्यादा मैं भगवान से मांगू भी क्या। बहन जी चलिए प्रेमा से पूछे। प्रेमा देखो बहन जी तुमसे कुछ कहना चाहती है। बेटी तू इस घर में खुश रह सकेगी? ये तूने क्या किया माँ? ठीक ही तो किया, तुझे लड़की पसंद है और मुझे इससे अच्छी बहू कहाँ मिलेगी। पहले हमें इंदु की फिक्र करनी चाहिए, इतनी जल्दी क्या है? पहले बहू को घर लाने दो, फिर लड़की को विदा कर दूं, समझे? मां तू समझती नहीं। विजय सोना गाड़ी की टिकट में डाल दिया है। गुड। पता है ना किधर जाना है? आरएमएल कॉलोनी। तुमसे मिलने पेट्रोल पंप पे गई थी, वहीं छुप गई। आऊं ये सब क्या रखा हुआ है? तुम्हें मजाक सोच रहा है, मैं जल्दी में मुझे काम पर जाना है, निकलो यहाँ से। नहीं 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 नहीं। चलो गाड़ी में बैठो। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में।
गाड़ी आपकी है जी? जरा डिक्की खोलिए। क्यों, क्या बात? जस्ट रूटीन चेकअप जी। आई सेड जस्ट रूटीन चेकअप। आप बॉम्बे से आए हैं जी? यहाँ किस लिए आए हैं? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया था। ओह, कैरी ऑन कैरी ऑन। वो लड़की जो मेरे साथ थी कहाँ गई? उस तरफ गई। मैं तो भूल ही गया, आज राखी का दिन है। लो बांधो। शबाश 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 शबाश। ये लो 500 रुपए। 500? माँ जी को नहीं बताना? बिल्कुल नहीं बता। नमस्ते माँ जी, माँ ने आपके लिए त्योहार की मिठाई भेजी है। ये कौन है? ये सुरेश है माँ, गुप्ता साहब का बेटा। नमस्ते माँ जी। प्रेमा बेटी, इन्हें कुछ खिला पिला, मैं अभी आई। अभी आई। लेकिन माँ जी कहाँ चली गई? क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं, बैठो बेटे बैठो। अरे आज राखी का त्योहार और तुम्हारा हाथ सोना? माँ जी मेरी कोई बहन नहीं है। ओ, बहन नहीं है? प्रेमा भाई को राखी बांध दो। दीदी ये लो।
पैसे? इसकी जरूरत नहीं, मैं यूरोप जा रही हूँ। भाई के नाते वादा करो कि तुम रोज माँ को देखने आओगे। दीदी क्या बात करती हो, मुझे माँ मिल गई और माँ की देखभाल करना तो मेरा धर्म है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटे। अच्छा प्रेमा, मैं जाती हूँ। प्रेमा, मेरी खोई हुई खुशियाँ मुझे वापस दे। वापस नहीं माँ। ओ प्रेमा, जीते हो, सुना तुम बुलाई जा रही हो। हाँ, इंदु घर में है। इंदु? हाँ, अपने कमरे में होगी। चल मैं तुम्हें ले चलूं। अरे पगली, तुम तो जानती हो इंदु इस वक्त कॉलेज में होगी। अच्छा अब ये नाश्ता ले जाओ और उसको दे आओ, मुझे और काम है। ये क्या कर रही हो? अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। नाश्ता कर लीजिए, पराठे हैं। औरत हमेशा खिलाकर खाती है। ऐसा क्या देख रही हो? आपकी सूरत जी भर के देख लेना चाहती हूँ। मैं यूरोप जा रही हूँ, आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश? अरे मैं तो जा रही हूँ और आप खुश हैं? आपको तो उदास होना चाहिए था। हाँ उदासी हूँ। अजीब बात है, आप ये भी नहीं पूछेंगे कि मैं वापस कब आऊंगी। वापस कब आ रही हो? कभी नहीं। क्या? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, मैं दो कदम आपकी तरफ बढ़ती हूँ तो आप चार कदम पीछे हट जाते हैं। क्या मैं आपको पसंद नहीं? अगर ऐसा ही है तो मैं आपकी दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी। ये बात नहीं प्रेमा, मेरे काम की उलझनों ने मुझे परेशान कर रखा है। तुम यूरोप से वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मिस प्रेमा जब यूरोप में डांस टूर करेगी तो वहां की पार्टी आप लोगों को कांटेक्ट करेगी और 50 लाख के हीरे देगी। वो हीरे आप इस आईने के पीछे छिपाकर बैग मिस प्रेमा के हाथ वापस भेज देंगे, इससे किसी को शक ना होगा। इस बार गुप्ता साहब ने बड़ी मासूम लड़की चुनी है। तुमने जाने की तैयारी कर ली बेटे? जी हाँ। तुम्हारी माँ तो खुश है ना? बहुत खुश। जब मैंने माँ से आपका जिक्र किया तो वो कहने लगी, प्रेमा गुप्ता जी सचमुच तेरे पिता है, उन्होंने तुम्हें नया जीवन दिया है, सड़क से उठाकर शीश महल में पहुंचा दिया, उन्होंने तुम पर मान किया, भले मेरी ही जान चली जाए लेकिन तुम उनका मान जिंदगी भर न तोड़ना। अरे पगली, रो क्यों रही है? जिंदगी में बाप के प्यार को तरस गई थी, आपने ही मुझे बाप का प्यार दिया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं, मेरे सर से अपना हाथ न उठाइएगा।
हर साल 500 करोड़ रुपए का सोना भारत में स्मगल हो रहा है, जिसे देश की आर्थिक स्थिति को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हर देशवासी का कर्तव्य है कि ऐसे देशद्रोहियों को पकड़ने में सरकार की सहायता करें। जय हिंद। अरे रामू, ये स्मगलिंग वगलिंग क्या होता है? माँ जी, स्मगलिंग करोड़पति बनने का सबसे आसान नुस्खा है। अच्छा? जी हाँ, स्मगलर दूसरे मुल्कों से सस्ता सोना खरीदते हैं, पुलिस की नजर बचाकर अपने देश में आकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। माँ जी, अपने मुल्क के करोड़पति ऐसे ही बने हैं। हाय राम, कितना अच्छा धंधा है। क्या बकता है, शर्म नहीं आती? माँ जी, आप मेरा मतलब नहीं समझी। मिसाल के तौर पर जैसे मैं सरकार का खबरी बनकर किसी स्मगलर की रिपोर्ट कर दूं, तो सरकार मुझे 10% इनाम देगी। ये लो साहब, आपने कुछ लिया ही नहीं। अरे हम लेने से पहले टिप दिया करते हैं। कुछ तो लीजिए साहब। अरे जल्दी क्या है, आराम से ले लेंगे। साहब आपने गाड़ी गलत जगह पार्क कर दी है। अरे लो तो राइट जगह पार्क कर दो। साहब चाबी। चाबी? चाबी, मेरी चाबी आपके पास। चाबी? लेकिन किधर? माफ करना मैम साहब, वो जगह ऐसी है मैं बता नहीं सकता। ओ, ले लीजिए ना। आप खुद ही दे दो तो मेहरबानी, मैं ले नहीं सकता। आखिर इस लड़की ने अमीर मुर्गा फांसी लिया। ये लड़की कौन है? अरे वो हमारा बावर्ची पेड्रो नहीं था? हाँ। उसकी लड़की है। अच्छा, जूली हमसे बोला कि तुम उससे मैरिज करना मांगता। जी हाँ। क्या है तुम्हारा बिजनेस और कितना है तुम्हारा इनकम? गैरेज का हूं मैं मालिक और कारें हैं आम, मर्सिडीज है सुबह और इम्पाला है शाम। आधा वर्ष। आधा वर्ष। और तुम्हारा फादर मदर किधर? फादर मदर? माँ पैदा होते ही मर गई और बाप बचपन में ही चल बसा। वेरी गुड। भाई बहन? पापा जी सवाली पैदा नहीं होता। वेरी वेरी गुड। यानी सारा माल हमारा? जी हाँ, हमारा माल तुम्हारा और तुम्हारा माल हमारा। तो तुम जूली को अपना वाइफ बनाना मांगता, हमारी फैमिली में आना मांगता? पापा जी, जूली को अपना वाइफ बनाऊंगा और आपको इसके वास्ते मस्का लगाऊंगा। देखो मिस्टर, तुम जानता है हम बूढ़ा हो गया है। अब हम ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल और जिएगा। हमारे बाद ये मकान और सारा माल तुम्हारा है, लेकिन हम तुमको शादी का परमिट नहीं देगा जब तक तुम जूली के नाम रुपया नहीं जमा कराएगा। जानता है कितना? कितना? 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख से क्या होता, 10-20 हजार बोलो ना। 2 लाख ठीक है, 10-20 हजार बहुत हो जाएगा। अरे डैडी, इसको क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गया। रोमियो, रोमियो। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे पास हो। 2 लाख का इंतजाम हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो फिर चलो सनिंदा के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करें। 2 लाख। दुबई से आज रात को सोना आने वाला है, तुम्हें जाके उस सोने की डिलीवरी लेनी है। मेरे साथ चलो, राणा तुमसे उसके बारे में डिस्कस करना चाहता है। अच्छा, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी मालूम है? जी नहीं, मैंने होटल में 2 आदमियों को सिर्फ इतनी ही बात करते हुए सुना कि आज रात समुद्र से उनका सोना आ रहा है, बस। हाँ, हेलो कमांडर, दिस इज इंस्पेक्टर शिव दसानी। कुड आई कम ओवर एज आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विथ यू। थैंक यू। Thank you.
Two contacts right ahead, 13.5 miles. Two contacts right ahead, 13.5 miles. Contacts merging. गोली चलाई का क्या हुआ? वो पकड़ा गया। राणा, मैं विजय बोल रहा हूँ। क्या बात? क्या
घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम घर जाकर आराम करो। यस सर, बुरी खबर है, 2 करोड़ का सोना पकड़ा गया। विजय बच गया मगर मिश्रा पकड़ा गया। मिश्रा पकड़ा गया? मुझे उसके गद्दार होने का डर है, समझे? जाग रही है। जब भी तुम्हें देर हो जाती है मेरा दिल घबराने लगता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार ना किया करो, जाओ सो जाओ। हराम, तुम्हारे कपड़े को क्या हो गया? कुछ नहीं मां, ऐसे ही गिरे। मिश्रा भी पकड़ा गया, उसका क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मारा गया विजय। मारा गया? हाँ, पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही उसे राणा ने खत्म कर दिया। डरता था कि कहीं तू चोर डाकू लुटेरा न बन जाए, और तूने वही कर दिखाया। घर की नीलामी का बदला लेने के लिए तूने अपना जमीन नीलाम कर दिया। क्या अमीर बनने का यही एक रास्ता था? तू क्या समझती है, जितने लोग अमीर बने हैं अपनी मेहनत की कमाई से बने हैं। अमीर बनने का यही रास्ता था, मैंने इस रास्ते पर चलकर कोई गुनाह नहीं किया। तू चंद अमीरों की तरफ क्यों देखता है? करोड़ों किसानों और मजदूरों की तरफ देख, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन नहीं, फिर भी मेहनत करते, रूखी सूखी खाकर कम से कम इज्जत से तो जी रहे हैं। अगर वो भी तुम्हारी तरह सोचने लगे तो ये सारा देश पाप की आग में जल उठेगा। जब अपना घर जल रहा हो कोई देश वेश नहीं देखता। अब पता चला कि एक ही घर में अजनबियों की तरह हम रह रहे थे। क्या मालूम था कि इतने दिन तुम हमें अपनी पाप की कमाई की रोटी खिलाते रहे। जी चाहता है तुम्हारे सामने शरीर को आग लगाकर भस्म कर दूं। अब इस घर का पानी पीना भी मेरे लिए पाप है। मैं इंदू को लेकर यहां से चली जाऊंगी। ये घर, ये दौलत तुम्हें को मुबारक हो।
ये क्या है? मेरी जल्दबाजी का नतीजा, मेरे पागलपन का झूठा सपना, मेरे गुनाहों की कमाई, जिसके लालच में आकर मैंने इन सोने के हाथों से अपने जमीर का गला घोट दिया था। मैं इसे वापस करने आया हूं। क्या मतलब? मैं आपके सुनहरी जाल से आजाद हो रहा हूं। मैं बुला रहा हूं। तुम्हारी वजह से हमारा 2 करोड़ का नुकसान हुआ, बेचारा मिश्रा भी मारा गया, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस से डर गए क्या? मैं सिर्फ अपने जमीर से डरने लगा हूं। तुम हमारे उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ हो। जब तक मैं ना चाहूं तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूं, लेकिन अब मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता। राणा को जवाब देने की तुम्हारी ये हिम्मत, देखता हूं तुम्हारे फैसले में कितना दम है। यस बॉस। वहां क्या हो रहा है? विजय को छोड़ दो। लेकिन सर, वो हमारे बहुत सारे राज जानता है, अगर वो पुलिस से मिल गया तो? विजय ऐसा लड़का नहीं है, और फिर हमें भी संभल कर रहना है, इसलिए उसको छोड़ दो। That's an order. Yes, sir. छोड़ दो मुझे! अगर चाहो तो मुझे आज ही खत्म कर दो, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, देखा जाएगा। गुप्ता साहब को फोन क्यों किया? जिंदगी मौत का फैसला करने वाले
सिर्फ गुप्ता साबित है। माँ, क्या तुम भैया को माफ नहीं कर सकती? नहीं, उसने काम ही ऐसा किया है। मैं देहातन हूँ, यहाँ आने के बाद तुम लोगों के पहनावे रहने सहने पर मैंने कभी इतराज नहीं किया, लेकिन पाप पाप है वो मैं कभी पाप नहीं करूँगा, कभी पाप नहीं करूँगा। क्या मेरी सुरैला, मेरा बेटा हुआ तो क्या हो, इतना बड़ा पाप और कहता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं कभी पाप नहीं करूंगी, मैं कभी पाप नहीं करूंगी, कभी पाप नहीं करूंगी। क्या रही हो बोल? विजय, विजय, क्या हुआ? तुझे इतनी बुरी तरह से किसने मारा? मैं किसी भी मां से नहीं डरता मां, मैं दुनिया में सिर्फ तेरी बात से डरता हूँ, सिर्फ तेरी बात से। लेकिन तू कहाँ गया था? कहाँ गया था मेरे लिए? जहाँ दौलत के लिए अपना जमीर बेच आया था, आज मैं वही दौलत लौटा कर अपना जमीर वापस ले आया हूँ माँ। विजय, तू आज अपने खून से अपनी विजय का टीका आप ही लगा कर आया है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? ये सब भूल जाओ बेटा, चलो हम गांव चले। हाँ माँ, लेकिन जाने से पहले मुझे प्रेमा को सब कुछ बता देना चाहिए, आखिर उसके आने में दिन ही कितने हैं। कहाँ था ना, यूरोप जाकर वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लो, अब मैं वापस आ गई। कभी मेरी याद आई? हाँ, बहुत। गुड। मिस प्रेमा, हमने पेपरों में पढ़ा था कि आपका यूरोप ट्रिप बहुत कामयाब रहा और हमें आपकी कामयाबी पर बहुत फख्र है। थैंक्स। यू कैन गो। Miss Prema? Yes? Will you please come with me? But what? I want to check your baggage. Lekin kyun? May I have your handbag, please? Information from Interpol. Miss Prema, I put you under arrest for smuggling diamonds and precious stones in the country. लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। आप ये कोर्ट में कह सकती हैं। I am in charge of this case. Inspector, take her to the lockup. Come along, miss. ये सब क्यों हुआ बेटा? मैं कुछ नहीं जानता माँ, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि प्रेमा निर्दोष है। माँ तू फिक्र न कर, मेरे होते हुए प्रेमा को कुछ नहीं होगा। सुरेश तुम आज घर ले चल। मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। मिस प्रेमा, तुम्हारे साथ यूरोप और हॉन्ग कॉन्ग गया था। वर्मा जी और शर्मा जी वो कहाँ हैं? वो तो वहीं रह गए। तुम्हें भेजा किसने था? कला दर्पण के महेंद्रनाथ गुप्ता जी ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि कला के पर्दे में कला दर्पण वालों ने तुमसे स्मगलिंग का काम लिया हो? क्या मतलब? आप प्रेमा की जमानत देंगे?
मैं और उसकी जमानत दूं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे गरीब और मासूम समझकर उसकी मदद की और उसे क्या से क्या बना दिया। और फिर कला दर्पण को पैसा कमाने की संस्था नहीं है, मैं तो इसे सपोर्ट करता हूँ सिर्फ कला की सेवा के लिए और नाम के लिए। और इस लड़की ने हमारी संस्था और मेरे नाम दोनों पर धब्बा लगा दिया है और अब वो ये सोचती है कि मैं उसकी जमानत दूं। मैं तो कहता हूँ ऐसे देशद्रोहियों की जमानत होनी ही नहीं चाहिए, और अगर कोई आदमी ऐसे लोगों की जमानत देता भी है तो उसे भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आप इसकी चिंता न कीजिए गुप्ता साहब, हमें सब मालूम है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुजरिम हमारे हाथों से बच के कहीं नहीं जा सकता। गुड डे। गुड डे सर। प्रेमा, चलो घर चले। तुम्हारी जमानत हो चुकी है। अब क्या होगा? तुम फिक्र न करो प्रेमा, मैं तुम्हारी बेगुनाही का सबूत अदालत में पेश कर दूंगा। तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है? हाँ है। क्या? लाला महेंद्रनाथ गुप्ता। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं कभी नहीं मान सकती। लेकिन तुम्हें उसके लिए इतनी श्रद्धा क्यों है? तुम नहीं जानती प्रेमा, वो दया और धर्म के निकाब के पीछे एक डाकू है, लुटेरा है, देशद्रोही है। खामोश, मैं उनके खिलाफ इकलौता नहीं सुनना चाहती। शीला, मैं तुमसे महेंद्रनाथ गुप्ता के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, बहुत जरूरी है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अब तो तुम समझ ही गए हो लाला महेंद्रनाथ कैसा आदमी है। हालांकि इस जाल में मैंने ही तुम्हें फंसाया था, और अब तुम दोनों को इस जाल से निकलने का एक ही तरीका है, और वो तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ। एक अरब लाला महेंद्रनाथ से मिलने के लिए आया हुआ है। अमीरुल दुबई जी, आपका नाम? राणा। लाला महेंद्रनाथ गुप्ता आपको भेजा जी। चलिए चलिए चलिए। शेख यासीन मलिक अमीरुल दुबई, लाला महेंद्रनाथ गुप्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपसे मिलकर खुशी हुई। राणा, शेख साहब की खातिर करो, मैं ऊपर कमरे में इंतजार करता हूं। क्या गार है, फैंटास्टिक। आइए। शेख साहब तशरीफ रखिए। Thank you.
क्या बात है शेख साहब, डांस पसंद है? गुप्ता साहब कुछ जरूरी काम पड़ गया। ऊपर उठाइए गुप्ता साहब, अगर जरा सा बिझलने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगा। आपकी पर्सनल डायरी कहाँ है? ये रही टेबल पे। मुझे इसी डायरी की तलाश थी। कौन हो तुम? नहीं पहचाना गुप्ता साहब? मैं विजय हूं। विजय तुम? हाँ गुप्ता साहब। लेकिन तुम इस डायरी का क्या करोगे? मैं अच्छी तरह जानता हूं आपके हर राज इस डायरी में लिखे हुए हैं। अगर आपने प्रेमा को कानून के हाथों से बाइज्जत बरी नहीं करवाया तो मैं इस डायरी को पुलिस के हवाले कर दूंगा। विजय तुम आग से खेल रहे हो। विजय को आग से खेलने की आदत आप ही ने डाली है गुप्ता साहब। अब आप उठिए और दरवाजा खोलिए और अपने आदमी से कहिए कि मुझे नीचे छोड़ आए, मेरे जाने के बाद आप दरवाजा बंद कर लेंगे। ठहरिए, मैं जरा टेलीफोन वायर काट दूं। नीचे छोड़ो। आपकी बहुत मेहरबानी गुप्ता साहब।
है? सुरेश, मुझे जल्दी से विजय के घर पहुंचा दो, सब बता दूंगी। विजय, जरा गौर से सुनो, अगर दो घंटे के अंदर अंदर तुमने मेरी डायरी के साथ साथ अपने आप को मेरे हवाले ना किया तो प्रेमा को खत्म समझो। याद रखो, तुम्हारे लिए सिर्फ दो घंटे हैं। इस डायरी के कातिल लाला महेंद्रनाथ गुप्ता ने प्रेमा का अगवा कराया है, उसकी जान खतरे में है, मैं जा रहा हूँ। और माँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस डायरी को पुलिस के हवाले कर देना। बहन जी, बहन जी, गजब हो गया। विजय कहाँ है? विजय प्रेमा को बिठाने गए। उसे कैसे पता चला? बैठिए, मैं सब कुछ बता देती हूँ। ये घबराने का वक्त नहीं, दिल मजबूत करने का वक्त। मेरी बात शांति से सुन लीजिए। क्या है? सरकार, आपसे कोई मिलने आई है। मेरे पास किसी से मिलने के लिए वक्त नहीं है। तो सरकार बेचारी बहुत परेशान नजर आ रही है। अरे मैंने कह दिया ना, मैं इस वक्त किसी से भी नहीं मिल सकता, जाओ। मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं प्रेमा की माँ आपसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आई। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आप सब कुछ कर सकते हैं, मेरी जान ले लीजिए, अगर प्रेमा को बचा लीजिए। मैं ऐसी लड़की के लिए कुछ नहीं कर सकता जिसने मेरे नाम पर धब्बा लगा दिया है। आप अपना दिल इतना कठोर मत बनाइए मालिक। आपने आज तक प्रेमा को बाप का प्यार दिया, आप जानते हैं निर्दोष है। क्या रखती हो? ठीक ही तो कहती है। आप अपनी दौलत और झूठी इज्जत को बचाने के लिए दूसरों की जान ले सकते हैं डैडी, लेकिन मैं सारी दुनिया से चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि मेरे डैडी स्मगलर हैं, मुजरिम हैं। सुरेश, पिता के सामने बात करने की तुम्हारी यह हिम्मत? और एक बदनसीब माँ के साथ ऐसी बात करने की आपकी यह हिम्मत? पहचान लिया डैडी? ये प्रेमा की ही मां नहीं, मेरी भी मां है। लक्ष्मी, thank you.
पागलपन छोड़ो, तुम्हारी माँ बहुत परेशान होगी, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे माँ, ये जिद करने का वक्त नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो प्लीज। विजय, ये राणा की आवाज है, बोलो वो डायरी लाए। राणा, वो डायरी तुम्हें तब मिलेगी जब प्रेमा अपने घर पहुंच जाएगी। बस गोलियां खत्म हो गई, अब तो लाला महेंद्रनाथ गुप्ता भी तुम्हें राणा के हाथ से नहीं बचा सकता। राणा, पिस्तौल फेंक दो, प्रेम और विजय को जाने दो, ये मेरा हुक्म है। वही रुक जाइए गुप्ता साहब, मैं और विजय को छोड़ दूं? आपका ये हुक्म मेरी समझ में नहीं आया गुप्ता साहब। एक बार पहले भी आपने इसे छोड़ देने का हुक्म दिया था और इसने आपकी डायरी छीन ली, और अभी अभी इसने मेरे वफादार साथियों का खून कर दिया, और आप कह रहे हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? क्यों? राणा, किस्मत के खेल भी अजीब होते। आज बरसों से बिछड़ी हुई मुझे मेरी बीवी मिली, उससे पता चला कि प्रेमा मेरी बेटी है। अब इसकी खुशी मेरी जिंदगी है राणा। प्रेमा आपकी बेटी निकली और आपका पत्थर दिल पिघल गया, लेकिन ये आप ही का उसूल है कि हमारी दौलत की दुनिया में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। आप ही के हुक्म से मैंने कितने ही नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया, आखिर वो भी तो किसी ना किसी के बच्चे थे। और कल रात की ही बात है कि इसकी वजह से मैंने अपनी महबूबा शीला का खून कर दिया। आप ही के असूलों की भेंट, ये दो खून और सही। नहीं 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 जाना दादा, तुम मेरी सारी दौलत लेकर कहीं भी चला जा, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूं। आप अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं? हाँ, बहुत हो गया राणा, बहुत हो गया। अब मुझसे गुनाहों का बोझ बर्दाश्त नहीं होता। देखो राणा, मैं हाथ फैलाकर तुमसे इन दोनों की जिंदगी की भीख मांगता हूं। नहीं 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 गुप्ता साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? शेर कभी घास नहीं खा सकता, आप और राणा से भीख मांग रहे हैं? आपको तो हुक्म देना चाहिए, राणा तो आपके हुक्म का गुलाम है। तो राणा, मैं तो जो हुक्म देता हूं कि विजय को जाने दो और मेरी बेटी को मेरे पास आने दो। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन यह भी तो आप ही का हुक्म है कि अगर हम में से कोई भी, चाहे वो मालिक हो या नौकर, अपने आप को पुलिस के हवाले करने की कोशिश करे तो उसे गद्दार समझा जाए, और आप ही के हुक्म के मुताबिक गद्दार की सजा।
विजयी को अपने गुनाहों की सजा मिली और सुबह का भूला शाम को घर लौट आया जहां प्रेमा उसका इंतजार कर रही थी। बहुत इंतजार करना पड़ा तुम्हें। हाँ। प्रेमा के प्यार और विश्वास ने विजय की जिंदगी को एक नई रोशनी से भर दिया।